मार दीजिए, खाना खा लीजिए। पता नहीं आज ने ठीक से टिफिन खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं कितना भूखा होगा मेरा बेटा। कैसे उसके पीछे दौड़ दौड़ के उसे खाना खिलाना पड़ता है, कुछ नहीं खाता। पता नहीं कैसा बर्ताव कर रहे होंगे वो मेरे अंश के साथ। कुछ नहीं होगा अंश को, मेरा यकीन मानिए आरती जी, अंश को कुछ भी नहीं होगा। मैं अंश को लेकर आऊंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे पहले ली थी, बहुत हो गया यार जी। पहले भी आप यही कह रहे थे ना, मुझ पे भरोसा करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, कहा था ना। मैं बोलती रही आपसे, अंश को उसका नया स्कूल नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं जाना चाहता, एक दिन के लिए उसको नहीं जाने देते, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी, जबरदस्ती भेज दिया उसे स्कूल। मना किया मैंने, लेकिन फिर कहा मुझसे कि मैं हैंडल कर लूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। किया ना आप पे भरोसा, क्या हुआ, तोड़ दिया आपने मेरा भरोसा। और अब कह रहे हैं फिर से आप पे भरोसा करूं, अब फिर कह रहे हैं कि अंश आपकी जिम्मेदारी है। नहीं अंश जी, मैं आप पे अब भरोसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, मुझे मेरा अंश वापस चाहिए, मुझे मेरा अंश वापस लाके दीजिए। दे सकते हैं मुझे मेरा अंश वापस आप, दे सकते हैं, मेरे अंश को वापस ले आओ। ये पुलिस वालों के लिए केवल उनका एक केस है, पर अंश मेरे लिए मेरी जिंदगी है आशी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मेरे अंश को वापस ले आओ प्लीज, बचा लो मेरे अंश को। मैं आपसे वादा करता हूं आरती जी, मैं अंश को लेकर आऊंगा और जरूर लेकर आऊंगा। अंश मेरी जिम्मेदारी है और इस बार मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ये यश सिंधिया का वचन है। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, कोई जरूरत नहीं हमें उन गुंडे बदमाशों के सामने झुकने की। पुलिस है ना, पुलिस छुड़वाएगी अंश को। अरे हुआ क्या यश? अरे सुन बाबूजी, हमें 10 करोड़ का इंतजाम करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। रुपयों का इंतजाम? कहीं तुम अंश को अगवा करने वालों को फिरौती की रकम देने की तो नहीं सोच रहे? हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है बाबूजी। अगर आप यश, क्या हो गया तुम्हें, होश में तो हो? क्या तुम्हें पुलिस वालों पर, हमारी कानून व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं है? इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूं बाबूजी कि मुझे हर हाल में अंश को घर लेकर आना है, वो भी सही सलामत। वादा किया है मैंने आरती जी से। हम सब यही चाहते हैं यश, कि अंश सही सलामत इस घर में वापस लौटा है। पुलिस कमिश्नर साहब ने भी कहा है ना कि किडनैपर्स को फिरौती की रकम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि फिरौती की रकम मिलने के बाद भी वो अंश को सही सलामत लौटा देंगे। कहीं बच्चा उन्हें पहचान ना ले, वो पुलिस वालों के हाथ ना लग जाए, इस डर से ऐसे लोग पैसा मिलने के बाद भी बच्चे की हत्या कर सकते हैं, करते हैं। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं फिरौती में 1 रुपया भी नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं बाबूजी कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। पुलिस का क्या पता है वो कितना टाइम ले ले। बाबूजी हमें हर हाल में अंश को घर लेकर आना है। यश, भगवान ना करे बाबूजी,
अगर आज अंश की जगह पायल और पलक का किडनैप हुआ होता तब भी आप यही फैसला करते? यश, माफ कीजिएगा बाबूजी, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको आपको फोर्स नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ एवरीज हैं जो कि मैंने पायल और पलक के फ्यूचर के लिए रखे थे, शायद उससे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं ब्रोकर से भी बात करूंगा, अगर मुझे और पैसों की जरूरत पड़े तो मैं मार्केट से इंटरेस्ट भी उठा लूंगा। बात तुम्हारे या मेरे पैसों की नहीं है यश, उसूलों की है, सिद्धांतों की है। तुम इस वक्त भावनाओं में बहकर फैसला ले रहे हो जो सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं वही सही है। इस समय हमें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। कोई जरूरत नहीं है किडनैपर्स को 10 करोड़ देने की, नहीं देंगे हम। बात को समझने की कोशिश करो यश, ये कोई मामूली रकम नहीं है कि किसी की भी झोली में डाल दें। तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी भर की कमाई है ये, और तुम तीनों भाइयों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी बिजनेस संभालने में। तो क्या अपना सब कुछ किसी और से जन्मी हुई संतान पर लुटा दें? क्या कहा आपने? किसी और से जन्मी संतान, सौतेला बेटा? गायत्री जी, बड़ा दुख हुआ ये सुनके कि अभी तक आपने हमारे पोते को अपनाया नहीं। तभी तो आपकी जुबान से ऐसी बात निकल गई। हम लोगों ने आपकी सारी बात सुन ली है समधी जी, अब आप सब हमारी बात सुनिए। अंश के दादा दादी में अब भी इतनी ताकत है, अब भी उसे इतना प्यार और अपनापन है कि हम उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। हैसियत में हम आपसे गरीब जरूर हैं, मगर भावनाओं में आपकी तरह कंगाल नहीं सूरज प्रताप जी। बहुत बुरा लगा आपकी बात सुनकर, मगर हम आंसू नहीं बहाएंगे, रोएंगे नहीं और ना ही टूटेंगे। हम लेकर आएंगे अपने पोते को। आप सब लोग बैठे रहिए हाथ पर हाथ धरे हुए। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। यश जी, हम गलत नहीं समझ रहे हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि गायत्री जी कभी नहीं चाहती थी कि आरती के साथ अंश इस घर में आए। लेकिन ये मेरी जिद थी और आपका बड़प्पन कि इनके मना करने के बावजूद मैंने आरती के साथ अंश को इस घर में भेज दिया। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये मां नहीं चाहती थी कि एक बच्चा अपनी मां से अलग रहे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज वही हुआ। कर दिया ना आपने उसी बच्चे को सौतेला, कर दिया ना एक बच्चे को अपनी मां से अलग। वाह शोभा जी, कितनी आसानी से आपने सारा दोष हमारे माथे मढ़ दिया। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपके बहू और पोते ने भी
अभी तक इस घर को अपना नहीं माना है तो हम क्यों अपना घर बार दांव पे लगा दें उनके लिए? मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी अंश को स्कूल से भागने की? अगर नहीं भागता तो ये मुसीबत ना आती। वो कहावत है ना, हवन करते हाथ जलते हैं, इसी को कहते हैं शोभा जी। यश ने उस लड़के की भलाई के लिए उसको अच्छे स्कूल में डलवा दिया, लेकिन आपका पोता और आपकी बहू ऐसा जता रहे जैसे यश ने कोई पाप कर दिया है। उस बित्ते भर के लड़के की वजह से आज इस घर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसीलिए मैंने सबसे कहा था हमें यश के लिए पत्नी चाहिए, किसी और के बच्चे की मां नहीं। गायत्री, कभी तो अपनी जबान को बस में रखा करो, बिना सोचे समझे जो जी में आता है कह देती हो। इस समय क्या जरूरत है पुरानी बातें उधेड़ने की? ये कोई समय है बीती बातें उधेड़ने का? देखिए दुबे जी, हमने अंश को आपकी बहू के साथ ही अपनाया है। देखिए, अंश किसी की भी संतान हो, अब वो इस घर का बेटा है और उसकी खुशी और उसकी सुरक्षा की हमें उतनी ही चिंता है जितनी हमें इस घर के दूसरे बच्चों की है। बस बात इतनी सी है कि हम उसे छुड़वाने के लिए पैसे नहीं देना चाहते। आज तक अपने आदर्शों के सहारे ही जीते आए हैं हम, इसलिए हमें कानून पर और इंसाफ पर पूरा भरोसा है। आप ही बताइए दुबे जी, आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? आप पुलिस की बात पर विश्वास करेंगे या उन बदमाशों की जिनके लिए चंद रुपया पैसे ही उनके भगवान है, ईमान है? जिस विश्वास के साथ आपने अपने बहू और अपने पोते को इस घर का हिस्सा बनाकर भेजा है, उस विश्वास को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे हम। अंश सकुशल घर लौट आएगा, मैं आपसे यह वादा करता हूं। आप जाइए और अर्पिता से मिल लीजिए, अच्छा लगेगा उसे। चलिए, मैं आपको अर्पिता के पास लेकर चलती हूं। तो पुलिस को बीच में क्यों लाई तू? हाँ, सब पता चलता है मुझे कि तुम क्या कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। जा, जाकर समझा दे अपने घर वालों को कि दोबारा पुलिस वालों की मदद लेने की कोशिश ना करे, वरना तू अपने बच्चे का मरा मुंह देखेगी, समझी तू? नहीं नहीं प्लीज। हेलो हेलो,